डॉक्टर शरयू और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक मैस्टाइटिस के ऊपर। ये जो है स्तन का एक रोग है। पिछले वीडियो में हमने एक्यूट मैस्टाइटिस पे पूरी जानकारी ली है, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक मैस्टाइटिस पे। अब ये जो है, मैंने लास्ट टाइम में बताया है कि औरतों को ऐसे लगता है कभी दर्द हो रहा है, कभी दर्द नहीं हो रहा है, कभी अपने आप ही ठीक हो रहा है, कभी पता नहीं क्या हो रहा है। महीने दर महीने उनका ये डिजीज चालू रहता है, वो जांच करवाते रहते हैं, डॉक्टर के पास में जाते रहते हैं, डायग्नोसिस हो नहीं पाता। और जब वो मेरे पास में आते हैं तो सबसे पहले वो रोना चालू कर देते हैं, जोर जोर से रोते रहते हैं। मैं भी उनको रोने देती हूँ, जब वो शांत हो जाते हैं तब मैं पूछती हूँ कि भाई क्या हुआ, वो अब बताएंगे। फिर उनको मैं एग्जामिनेशन चेम्बर में ले जाती साइड में ले जाती हूँ, उनको जांच कराती हूँ। फिर जांच करने के बाद में सबसे पहले मैं उनको बोलती हूँ कि ये कैंसर नहीं है, तो बोलते हाँ कितना अच्छा, और फिर और रोना चालू। सवाल ये है कि ये जो क्रॉनिक मैस्टाइटिस है, इसका निदान नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्रॉनिक मैस्टाइटिस ऐसी चीज है जिसमें दर्द भी होता है, लोग छोटे छोटे पेन किलर लेने के बाद वो कम भी हो जाता है, और कभी कभी गठाने आए जैसे भी लगता है, उनको लगता है कि महीना आने के बाद ये कम भी हो। ये सिलसिला चलते रहता है जब तक के सही में उनको बड़ी सी गठान ना हो जाए, सही में उनको वहां दर्द ना चालू हो जाए, सही में उनको नीपल से कुछ पस निकल आ जाए। कभी कभी तो पेशेंट को पता भी नहीं रहता, जब हम जांचते हैं तब जब हम निपल को थोड़ा सा दबा के देखते हैं तो फिर उसमें से पस निकलना चालू हो जाता है। फिर हम उनको बोलते हैं कि देखो यह तो पस निकल रहा है, फिर वो और रोना चालू कर देते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चार पांच जगह पे पस हुआ रहता है, चार पांच जगह पे किसी किसी ने चीरा मार दिया होता है, चार पांच जगह पे से सब पस ड्रेन होते रहता है, स्तन फूला हुआ रहता है, बुखार भी आया रहता है, पेशेंट भी काफी डिस्टर्ब होता है, ऐसी भी सिम्टोमेटोलॉजी होती है। कभी कभी पेशेंट को कैसे होते हैं, स्कारिंग होते हैं। स्कारिंग मतलब हमको कोई जख्म होने के बाद में वो उसका स्कार आ जाता है, वैसे चार पांच स्कार ब्रेस्ट के ऊपर स्तन के ऊपर दिखना चालू हो जाता है। अब ये सब क्या है, आपको पता होगा टीबी के बारे में तो आपको जानकारी होगी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। ये साधारणतः लंग्स में होता है, यही जानकारी सभी लोगों को है कि जो टीबी की है वो सिर्फ फेफड़ों का ही रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, फेफड़े के व्यतिरिक्त बॉडी में शरीर में कहीं पे भी अगर टीबी होता है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और स्तन में अभी आजकल ऐसे रुग्ण बहुत मिलते हैं, मेरे पास ऐसे रुग्ण काफी आते हैं। मैं आपको हर जो भी मैंने बताया जैसे गठान आया है ये सबका पिक्चराइजेशन इस पे मैंने किया हुआ है, आपको उससे पता भी चल गया होगा कि नहीं भी ये जो है ये सही में क्रॉनिक मैस्टाइटिस है। भाई और कुछ बात करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी आप फूल भी लगा लिया करो, गजरा भी सजा लिया करो, उससे क्या होता है फ्रेश रहता है इंसान, उसकी गजरे की फूलों की मंद मंद जो सुगंध अपने इर्द गिर्द रहती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। मैं भी कभी कभी ऐसे ही गजरा लगा के ओपीडी में बैठती हूँ, लोग मिस भी करते, कभी कभी पूछते भी मैडम आज अपनी गजरा नहीं लगाया, तो गजरा भी लगाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम क्रॉनिक मैस्टाइटिस जैसे सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं तब ये ऐसी मंद खुशबू होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो बताया गठान आए जैसे लगता है उसको नोड्यूलो केजीएस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं,
फिर पस आता है, उसको पस डिस्चार्जिंग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो जहाँ बहुत सारी जगह से पस निकलता है उसको डिसिमिनेटेड टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, और जहाँ पे स्कारिंग आते हैं उसको एक स्क्लेरोजिंग टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इसमें जो होता है एजिड लोगों को होता है, और छोटी छोटी जिनकी ब्रेस्ट होती है उनमें पाया जाता है। इसके सबके पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हमको डायग्नोसिस कैसे करना है, बहुत डिफिकल्ट जाता है डायग्नोसिस करना। फिर मैंने बोला है आपको सोनोमेमोग्राफी के बारे में, तो सोनोमेमोग्राफी में हमको काफ़ी अच्छे से इसका डायग्नोसिस होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कैंसर से, क्योंकि जो चर्बी का जो आर्किटेक्चर होता है नॉर्मल जैसे चर्बी दिखना चाहिए, वो जो पिक्चराइजेशन होता है उसका, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया रहता है, यानी ख़त्म हो गया रहता है। उसमें ऐसे जो चर्बी होती है वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उसमें पानी जमा हो जाता है, उसमें पीप भी भर जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, अदर बाकी के बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जाते हैं। और ब्रेस्ट में हमेशा पॉसी बेसिलरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें सारे ही बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं। तो ये हो गया क्रॉनिक मैस्टाइटिस के बारे में। हमको इसका डायग्नोसिस जो है सोनोमेमोग्राफी के मदद से करना पड़ता है, क्योंकि मेमोग्राफी हम कर नहीं सकते क्योंकि पेनफुल ब्रेस्ट होता है। और फिर इसका जो इलाज हम करते हैं, तो उसको हम पस अगर है तो निकाल लेते हैं, अगर हमको डाउटफुल कोई टिश्यू लगता है तो वो निकाल के उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के रिपोर्ट्स में आता है ट्यूबरकुलर टाइप ऑफ मैस्टाइटिस। फिर हमको उन पेशेंट को एंटी टीबी ड्रग्स के ऊपर डालते हैं, तो 3-4 महीने के बाद में हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट एकदम दुरुस्त हो जाता है और खुश हो जाता है कि डायग्नोसिस हो गया, दुरुस्त हो गया है, ब्रेस्ट में के सिम्टम्स चले गए हैं। और एक बात ट्रीटमेंट की भी रह गई थी एक्यूट मैस्टाइटिस में, जहाँ पे हमको यानी पस भी गया है और पस को हमको निकालना है। सब लेडीज डर गई रहती है क्योंकि स्तनपान करने वाली लेडीज में ज़्यादातर ये पस हुआ रहता है, तो उनको लगता है कि कैसा चीरा मारेंगे, क्या मारेंगे, बच्चे को दूध पिला सकते या नहीं पिला सकते। एक्यूट मैस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे पेशेंट को स्तनपान करते टाइम पे पस हो जाता है, मैंने बोला है, वो डरती है कि चीरा मार देंगे, पता नहीं हम दूध पिला पाएंगे बच्चे को या नहीं पिला पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अगर नीपल है, तो नीपल के बाजू में अगर यहाँ पे पस है, तो हम लोग ये जो है यहाँ से एक छोटा सा सुराग बना के दे देते हैं, और ये सुराग में से पूरा पस हम निकालते हैं। ये जो ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन हम ऐसा छोटा सा पतला सा ड्रेन हम वहाँ पे छोड़ देते हैं 1 या 2 दिन के लिए, ताकि पूरा ही पस निकल जाए, और बाद में बच्चे को दूध एंटीबायोटिक कवरेज के ऊपर आप पिला सकते हैं। तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ट्रीटमेंट इतना ईजी है, सिर्फ लेना है। डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट की कोई बात ही नहीं है। पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत दिन की उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये रहा एक्यूट मैस्टाइटिस और क्रॉनिक मैस्टाइटिस के बारे में। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, यानी बेनाइन ट्यूमर्स मतलब साधे जो ट्यूमर्स होते हैं स्तन के, उसके बारे में। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्तन के कर्क रोग के बारे में, क्योंकि बहुतांश जानकारी स्तन के कर्क रोग की सभी को होती है, रोगों के बारे में ही जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है ये स्तन के रोगों के बारे में आपको मैं जानकारी दूँ। मुझे ऐसे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में अपने सवाल पूछ लेना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। जय हिंद, धन्यवाद।